Welcome back to my channel, guys, and welcome back to another episode of Singing with Goldie. Guys, आज का मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बनाओ, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं बनाऊँ, बट मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो वन ऑफ माई फ्रेंड केम बैक फ्रॉम द शिप, सो मैंने, और वो यही डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली और थोड़ी बहुत मैंने अपनी जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ. गाइस, ये वीडियो में एक बात मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ओवरऑल पिक्चर है, वो ऊपर से जो है, बिकॉज एवरी शिप हैज़ डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट सैलरी, डिफरेंट शिफ्ट टाइमिंग. तो ये आपको सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. मोस्टली यही होगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोंट ब्लेम मी. क्या क्रूजिंग विद गोल्डी में तो ये बताया था, वो तो झूठ बोलता है. मैं तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एवरी शिप हैव द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस डिपार्टमेंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन F&B सर्विसेज. वेल गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो चार्ट आप आपके सामने देख रहे हो, ये होता है जैसे आप इस हिसाब से क्वालिफाई करते हो. सबसे पहला आता है स्नैक वेटर, फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट वेटर, फिर उसके बाद आता है वेटर, एंड सो ऑन. गाइस, बेसिकली मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बात करूँ तो आप ये सब पे ध्यान रख दीजिए, क्योंकि जैसे आप क्रूज पे काम करने चालू कर देते हो तो आपको पता चल जाता है असिस्टेंट वेटर क्या काम करता है, वेटर क्या काम करता है, कितना टाइम लगता है इनके प्रमोशंस के लिए, और वो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा. लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जो ये सबसे नीचे है, स्नैक्स वेटर. डिफरेंट क्रूजेस पे डिफरेंट नाम से इसे बुलाया जाता है, बट मोस्टली जो काम होता है वो एक जैसा ही होता है. तो आज हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे स्नैक वेटर पे, बिकॉज अगर आप क्रूज पे पहली बार सिलेक्ट हो रहे हो एज अ वेटर तो आप इस ही पोजिशन पर काम करोगे, विच इज स्नैक वेटर. वेल गाइस, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन. आपको अगर ये पोजीशन के लिए काम करना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए. जैसा मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी बताया है, अगर आपको कोई भी क्रूज पे काम करना है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10th pass, और अगर आपके पास डिग्री है, आपने होटल मैनेजमेंट किया है, विच इज़ वेल एंड गुड, बट the minimum qualification required to work on cruise even for this job is 10th pass. agar iske upar aur koi qualification hai, it's well and good. thank you. well guys, ab hum baat karenge experience ke upar, aapko ye department mein jane ke liye kya experience lagega. first thing guys, ye department mein agar aapko kaam karna hai to basically basic experience you required is for fine dining, jo hota hai 2 stars, 3 stars होटल, 5 stars होटल, बिग रेस्टोरेंट विच हैज़ फाइन डाइनिंग, रिसोर्ट्स विच हैज़ फाइन डाइनिंग, आप इस डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो ये पोजीशन के लिए, अगर आपके पास फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है. अगर आप काम करते हो जैसे पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, विच इज़ नॉट कंसिडर एज अ फाइन डाइनिंग, तो आपको जॉब नहीं मिल सकता. गाइज, मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर बहुत रिक्वायरमेंट है एंड दिस पीपल डोंट गेट अ पीपल फ्रॉम सर्टन फाइन डाइनिंग, एंड आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, यू माइट गेट द चांस. बट आई एम द पर्सन हु विल नेवर टॉक अबाउट माइट, आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी एंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब. सो फाइन डाइनिंग इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब. तो अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का फाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इस डिपार्टमेंट में ट्राई कर सकते हो. वेल गाइस, अब हम बात करेंगे वर्किंग आवर्स के ऊपर. मान लो आप क्रूज शिप पे सिलेक्ट हो गए तो आपका सबसे कॉमनली क्वेश्चन ये होता है कि आपके मन में ये हमेशा आता है, भाई मैं कितने घंटे काम करने वाला हूँ. जी हाँ गाइस, क्रूज पे एवरी डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क 10 to 12 hours. तो ये बात आप अब गार्ड बांध के चलो, एक बार अगर आप क्रूज पे सिलेक्ट होते हो तो 10 से 12 घंटे आपको काम करना ही है. अगर इससे कम मिलता है तो यू आर वेरी लकी, अगर इससे ज़्यादा मिलता है सो आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. सो गाइस, 10 से 12 घंटे, बट स्पेसिफिकली ये डिपार्टमेंट के बारे में बात किया जाए, F&B सर्विस एज अ वेटर, तो आप काम करते हो 3 shifts में, जो आता है ब्रेकफास्ट में,
लंच में, डिनर में। एक बार आपने ब्रेकफास्ट का काम खत्म किया, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, फिर आप लंच के लिए वापस आते हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, और फिर आप डिनर के लिए करते हो, और फिर डिनर के बाद आप फ्री होते हो, फिर आप जाके सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और फिर वापस सुबह वापस आना पड़ता है। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इज द कॉमनली यूज ड्यूटी आवर्स फॉर दिस F&B सर्विस एज अ वेटर। थैंक यू। वेल गाइस, अभी मैं बात करूंगा ब्रेक्स के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली अ ब्रेक्स? मैं ब्रेक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग बाहर कब जा सकते हैं। और अगर आप F&B सर्विस में काम करते हो, जैसे वेटर में काम करते हो, जब भी आप शिफ्ट करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जैसे सुबह आपने काम किया, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर लंच के लिए आपको वापस आना है, फिर वापस से ब्रेक, फिर डिनर होता है, फिर वापस से, तो आपको बाहर जाने का टाइम कब मिलेगा? सो गाइस, इसमें आता है आपका सुपरवाइजर का हेल्प। आपका सुपरवाइजर इस हिसाब से आपके शिफ्ट डिज़ाइन करता है, जिसमें आज ये क्रूज में आपको लंच ब्रेक में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक दिन में लंच ब्रेक आप स्किप कर सकते हो, कोई भी एक दिन में आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो, कोई भी एक दिन में आप रात का डिनर स्किप कर सकते हो। डिनर स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना स्किप करना है, आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टाइम मिलता है, तो ये टाइम में आप बाहर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हो। तो ये है ब्रेक्स। ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर, आपकी शिफ्ट कैसी डिज़ाइन की गई है, बट आपको ब्रेक्स मिलते हैं। हाँ, पूरा दिन का ब्रेक नहीं मिलता है, बट ये ऐसे एक छोटे छोटे ब्रेक्स अवेलेबल होते हैं। आपको खाली आपके सुपरवाइजर से अच्छा से रहना है, और आपको ये ब्रेक्स मिलेगा बाहर जाके घूम के आने का।